करेंगे सीहोर की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ भोजन किया है। शिवराज कैबिनेट के सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, क्रिसेस रिसोर्ट में बैठक के दौरान भोजन किया है। मंत्रणा चल रही है आज मध्य प्रदेश के रोडमैप को लेकर। कोरोना के बाद लगातार मध्य प्रदेश को पटरी पर लाने की कोशिश में सीएम जुटे हुए हैं और इसी के तहत आज मंत्रियों के साथ वो मंत्रणा करने के लिए क्रिसेस रिसोर्ट पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ भोजन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीहोर के क्रिसेस रिसोर्ट से, जहां मुख्यमंत्री ने आज सभी मंत्रियों के साथ मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर मंथन किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीहोर से, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों के साथ क्रिसेस रिसोर्ट में मौजूद है। तो सीहोर से इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और मंत्रियों के साथ लगातार उनकी बैठक का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है और इसी दौरान मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंच भी किया। वहीं मंत्री समूह की बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर मंत्रियों के सुझाव भी आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए। तीसरी लहर से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है हेल्थ वर्कर्स को जरूरी ट्रेनिंग देने पर फोकस करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टर्स को विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पेरेंट्स को भी विशेष ट्रेनिंग दिए जाने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपनी सलाह देते हुए कहा है तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। 21,000 ऑक्सीजन बेड, 5,000 आईसीयू बेड की बढ़ोतरी की गई है। बच्चों के लिए भी 2200 ऑक्सीजन बेड तैयार हो रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा ऑक्सीजन प्लांट, मेडिसिन और बेड बढ़ाए जाएं, डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने का सुझाव भी मंत्री तुलसी सिलावट ने दिया है। के साथ ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो ये बात रखी है, योजनाओं और परिणामों की समीक्षा की जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको योजनाओं का पूरी तरह से लाभ मिल सके। मंत्री कमल पटेल ने कहा है किल कोरोना अभियान सतत जारी रखना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे लोगों की मदद लेनी होगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा वैक्सीनेशन में भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। मंत्री गोपाल भार्गव भी इस बैठक में मौजूद रहे, उन्होंने कहा जो डॉक्टर मैदानी क्षेत्र में तैनात हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा जागरूक बनाना होगा और इसके साथ ही मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी बात रखते हुए कहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी दवाओं और सुविधाओं पर फोकस करना होगा। तो सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं मंत्रियों के साथ, लगातार मंथन का दौर जारी है और इसमें जो भी सुझाव आए हैं वो तमाम सुझाव हमने आपके सामने रखे हैं, आपको बताए हैं। मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट समेत मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी बात रखी है और अपने कई अहम सुझाव इस बैठक के दौरान उन्होंने दिए हैं।